हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। सो आज हम लोग फिर से खेलने वाले GTA 5। और पिछले बार जो फ्रैंकलिन है वो और लमार के साथ एक बाइक चोरी करके लाया था, और लमार जो है उसने अपना वो बाइक खुद के लिए रख लिया और सीमियन को नहीं दिया, क्योंकि वो सीमियन से बहुत ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि सीमियन जो है फ्रैंकलिन को अपना एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बना दिया लमार के बजाय। और आपको पूरा वो पार्ट देखना है तो जाके आई बटन में मैं लिंक दे दूँगा, तो जाके देख लो। और चलते हैं अभी सीमियन से बात करते। वैसे लमार ने तो बोला है कि सीमियन को बोल देना कि हमने बाइक रिट्रीव ही नहीं किया, पर मैं बता देता हूँ क्योंकि वो बाद में तो उसको मालूम चल ही जाएगा, क्योंकि उसको बहुत ही उसका जान पहचान है। सो गाइस चलते हैं सीमियन के पास। सो गाइस हम लोग यहाँ पे सीमियन के पास आ गए, पर ये किसी से बात करता है तो इन लोग को बात करने देते हैं। अच्छा, ये हमारे पास आ रहा है। सो गाइस बात ये है कि सीमियन बोल रहा है कि तुम एक गाड़ी चोरी करके ले आओ, एक मतलब घर से, वो मतलब यहाँ से ख़रीद के ले गया था गाड़ी, पर उसने पैसे नहीं भरे, इसलिए वो बोल रहा है कि गाड़ी चोरी करके ले आओ। और उसने हमारे को मतलब मेरे को अपना बात पूरा करने का मौका भी नहीं दिया, तो पहले गाड़ी चोरी करके ले आते हैं फिर उससे बात करेंगे, मतलब लमार का है वो बाइक के बारे में। सो गाइस यहाँ पे हम लोग घर पे आ चुके हैं और यही घर है। और रास्ते में सीमियन का भी कॉल आ गया था, वो बोल रहा था कि मेरे को तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम चल गया, मतलब बाइक के बारे में सब कुछ मालूम चल गया है, और बोल रहा है कि पहले तुम गाड़ी लेके आओ फिर उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। सो गाइस चलते पहले गाड़ी ले लेते हैं फिर उसके पास चलेंगे सीमियन के पास। और यही है घर जिसमें से हम लोग को गाड़ी चोरी करनी है, और सामने एक आदमी खड़ा है, शायद गार्डनर है। सो गाइस पहले यहाँ पर रास्ता ढूंढना पड़ेगा कि कैसे जाएँ। यहाँ से टाप सकते हैं क्या? नहीं, यहाँ से टाप के जरिए नहीं जा सकते हैं यहाँ से। ये तो इसमें तो कैमरा लगा। अरे भाई यही से टाप लिया। अरे भाई शांति से जाना पड़ेगा, नहीं सुन लेगा। शांति से भाई, ही वो तो कैजुअली चल रहा है। इसको ठिकाने लगाते हैं। ओ भाई एक मुक्के में ख़त्म हो गया। ये तो शायद मरा नहीं है, सिर्फ बेहोश हुआ है। और सीमियन बोल रहा था कि अंदर से लॉक है गैराज, तो शायद वो खुलेगा नहीं। हाँ नहीं खुल रहा। और यही गाड़ी तो यहीं पे है, पर हम लोग को रास्ता दूसरा ढूंढना पड़ेगा। और ये गाइस देखो क्या ख़तरनाक घर है यार इसका। इस बंदे का पूरा प्राइवेट स्विमिंग पूल, अपना प्राइवेट टेनिस कोर्ट, क्या क्या है यार। यहाँ जैसे जा सकते हैं क्या? यहाँ पर भी एक दरवाज़ा है? नहीं यहाँ से भी नहीं जा सकते भाई। कहाँ से यार, सब जगह से बंद करके रखा है। यहाँ से क्या? इसको मालूम था क्या कि हम लोग चोरी करने वाले वाले? और ये क्या है भाई, ये किस लिए यहाँ पे? मतलब यूजलेस थिंग। चलते यहाँ से। यहाँ पे भी गाड़ी है यार, यही चोरी कर ले गया शायद। ये नहीं चोरी कर सकते, वहीं चोरी करना होगा। अच्छा यहाँ से कूद सकते हैं। अच्छे भाई यहाँ से अंदर जा सकते हैं, यहाँ पे खुला हुआ है, यहाँ से जा सकते हैं। अंदर से आवाज़ भी आ रहा है किसी का। सो गाइस यहाँ पे हम लोग अंदर आ चुके हैं, और सामने से एक लड़की निकली है, पता नहीं कौन है। और यहाँ से किसी का आवाज़ आ रहा है। अच्छा यहाँ पे कोई गेम खेल रहा है, ये कौन है? अच्छा ये तो वही बंदा है जो सीमियन से उस दिन लड़ाई कर रहा था, मतलब सीमियन इससे लड़ाई कर रहा था। और इसमें कौन है? ये शायद इसकी बहन है। शांति से चल लेते भाई, नहीं तो मालूम चल जाएगा किसी को तो दिक्कत हो जाएगा। अरे भाई यहाँ पे भी कोई है। अरे चुपचाप से चलो यार, नहीं दिख जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। शांति से। हाँ भाई अब तो कार में आ गए, अब तो कुछ नहीं होगा। अब चुपचाप से डीलरशिप के, मतलब डीलर के पास, सीमियन के पास चल लेते हैं। और भाई मैंने मतलब 10 सेकंड भी नहीं हुआ मैं ठोक दिया गाड़ी, बहुत सही। और यहाँ पर सीमियन का भी कॉल आ रहा है, देखो फिर से ठोक दिया। If you actually bring the repossession to me this time, I can have it back out on the street before the day is done. So guys, Simeon का कॉल आया था। और ये कैमरा क्यों आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है? हाँ ये कौन है भाई? कोई हम लोग के कार में है। अच्छा ये तो माइकल है यार। ये माइकल कहाँ से आ गया? अच्छा शायद ये माइकल के बेटे का गाड़ी है। ओ भाई अच्छा ये हाँ पक्का है, अब तो ये बोल भी रहा है कि इसके बेटे का है, वो इसके बेटे का गाड़ी है ये, बहुत सही।
भाई मतलब माइकल ऐसे आ रहा है स्टोरी में। ओ भाई फ्रैंकलिन अब इसको सब कुछ समझा रहा है कि कौन इससे करवा रहा है। सो गाइस वो बोल रहा है कि मैं तुम्हारे डीलर से बात कर लूँगा, तुम पहले उसके डीलरशिप पे चलो। सो गाइस जो माइकल है वो बोल रहा है फ्रैंकलिन को कि तुम मतलब डीलरशिप में गाड़ी घुसा दो, मतलब तोड़ दो इसका कांच। सो गाइस वही करेंगे, नहीं तो वो तो ठोक ही देगा सीधा। अरे भाई बीच से हट जाओ यार, अरे हटना यार, ऐसे कैसे ठोकूंगा मैं। अरे यहीं पे ठोक देते, अरे भाई क्या खतरनाक ठोका है, बहुत सही। अरे सिमियन पागल हो गया, सिमियन पागल हो गया। ओ भाई भाई वो भी ख़त्म, गाड़ी भी ख़त्म। अरे माइकल पैसा दे रहा है यार, सी फ्रैंकलिन को पैसा दे रहा है। अच्छा हम लोग इसको कंट्रोल कर रहे हैं, मारेंगे इसको भाई, सिमियन को मारेंगे। हमारा ये गाड़ी कैसे चोरी किया इसने, ए भाई मुक्के मुक्के धोएंगे मुक्का। ए भाई क्या खतरनाक मार रहा है यार। ओ भाई अच्छा यहाँ पे पकड़ लिया। ओ भाई क्या खतरनाक मारा है यार। ओ भाई दूसरा क्या खतरनाक मार रहा है यार, आप बुड्ढे को मार ही देगा लग रहा है माइकल आज। ओ भाई उसको समझा रहा है वो। वो भाई माइकल का भी अलग ही स्वैग है, बोल रहा है कि मेरे को आना ना पड़े, ऐसा कुछ मत करना कि मेरे को वापस आना पड़े। वाह भाई वाह, आप कहाँ जाएं। अच्छा मिशन पास हो गया, बहुत सही। अरे भाई गाड़ी तो ले ले जो जिसके लिए इतना झंझट हुआ है, गाड़ी ही लेके चलते हैं। और सिमियन तो गायब भी हो गया। सो गाइज आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।